देखो फाइनली लियो का ट्रेलर आउट हो चुका है और ट्रेलर देखने के बाद मेरे मन में बस एक ही सवाल है, क्या थलापति विजय का इसमें डबल रोल होने वाला है? क्योंकि ट्रेलर में हमें क्लियरली उसका एक यंग वर्जन दिखाया गया है और एक ओल्ड वर्जन दिखाया गया है। 90% ट्रेलर में हमें उसका ओल्ड वर्जन दिखाया गया और एंड आते आते एक हल्का सा ग्लिम्स दे दिया यंग वर्जन का। देखो ऐसे सिनेरियोस में मेनली तीन थियोरीज बाहर आती है। पहली थियोरी की यहाँ पे डबल रोल हो सकता है, हमारा ओल्ड थलापति विजय एकदम ऑर्डिनरी मैन हो। ट्रेलर में विजय थलापति खुद बोलता है कि उसकी तरह कोई और बंदा दिख रहा है और लोग समझ रहे कि वो है वो एक्चुअल बंदा। दूसरी थियरी निकल के आती है कि मार्क स्पेक्टर की तरह ये बंदे को भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो। इसका मतलब हमारा थलापति एक ही है बट कभी कभी उसके अंदर से लियो बाहर आ जाता है और कभी कभी वो एक कॉमन इंसान बन जाता है। एंड तीसरी एंड सबसे कॉमन थियरी है कि भाई मेमोरी लॉस हो गया उस बंदे का। ट्रेलर में हमें काफी सारे एक्सीडेंट्स के सीन दिखाए गए हो तो उसमें से एक थलापति का भी हो सकता है जिसके वजह से बंदे की मेमोरी लॉस हो गई और बंदे को अपने पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता। अगर ऐसा होता है तो जवान के पापा एसआरके की तरह सिनेरियोस काफी ज्यादा मैच करने लगेंगे। वो भी एक्सीडेंट की वजह से मेमोरी लूज देते और एंड आते आते उन्हें अपनी याददाश्त वापस मिलती है। ट्रेलर में हमारा एंटागनिस्ट खुद बोलता है कि तुझे जिस भी बिल में घुसना है घुस जा, मैं वहां से ढूंढ के बाहर निकालूंगा तुझे। ये डायलॉग तो काफी टिपिकल है और काफी मूवीज में तुम्हें मिल जाएगा बट अगर तुम इसका मैसेज समझने जाओगे, दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि थलापति कुछ टाइम के लिए गायब सा हो गया था। तो मेमोरी लॉस थियरी की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा इंक्रीज हो जाती है क्योंकि अगर वो कुछ टाइम के लिए गायब हो गया हो तो उसका जरूर एक्सीडेंट हो सकता है। पूरे ट्रेलर में थलापति खुद क्लूलेस है कि भाई लोग उसे क्यों मार रहे और पास में उसने ऐसा क्या कर दिया। हिमाचल का जो पूरा सेट पीसेस स्नो भरी हुई है इधर उधर, भाई मैं तो बिक गया। हिमाचल से याद आया कि भाई ट्रेलर में हाइना का भी सीन है जो टोटली अनएक्सपेक्टेड था। मूवी के डायरेक्टर लोकेश कनगराज को एनिमल से कुछ ज्यादा ही प्यार है। नए एक्टर्स को वो एनिमल से एसोसिएट करते हैं जैसे कि विक्रम को ईगल से और लियो को लायन से, और हाइना मोस्ट प्रोबेबली लायन का एक काफी कट्टर दुश्मन होता है। और देखो एनिमल्स का ना स्क्रीन पे एक अलग सा टेरर होता है और ये देखने में डेफिनेटली बहुत मजा आएगा। और देखो टीजर से कंपेयर करोगे तो थलापति के मूड में काफी मैसिव चेंजेस है। टीजर में थलापति एकदम काम और कंपोज्ड है बट इस ट्रेलर में भाई एकदम फ्रस्ट्रेटेड से है। भाई बंदा एकदम नॉर्मल सी लाइफ जीना चाहता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है बट ये गुंडे लोग पीछा नहीं छोड़ रहे। देखो स्टार्टिंग के तीन थियरीज के अलावा एक थियरी और है कि थलापति यहाँ पे एक्टिंग कर रहा हो। इससे रिलेटेड एक हल्का फुल्का हिंट भी मिल जाता है जब संजय दत्त ये बोलता है, सबको बेवकूफ बना सकता है, दुनिया को बेवकूफ बना सकता है लेकिन अपन को बेवकूफ नहीं बना सकता। देखो अगर ये मूवी में हो गया ना भाई, ये सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट होगा। पूरे दिन लियो के ट्रेलर को लेके अलग ही लफड़े चल रहे हैं। तमिल, तेलुगु और कन्नड़ लैंग्वेज में ट्रेलर तो उन्होंने 6 बजे ही डाल दिया एंड फिर गोल्ड माइंस टेलीविजन अनाउंस करता है कि भाई 7 बजे हिंदी वाला ट्रेलर आ जाएगा। और बस 7 बजे तक मैं रीलोड करता रहा पेज, फिर आ गया कि 9 बजे आ जाएगा। फिर मैं 9 बजे तक रीलोड करता रहा पेज और आया कब ट्रेलर, 10 बजे। डेफिनेटली हिंदी डबिंग में काफी प्रॉब्लम्स हुई है क्योंकि थलापति की जो डबिंग है वो काफी ऑफ लग रही है। मतलब देखो ये एक्टर की मूवीज में बचपन से टीवी में देखते आ रहा और उसका डबिंग आर्टिस्ट भी काफी स्पेसिफिक था जिसको उन्होंने इसके लिए शायद चेंज कर दिया है। वो पर्पसफुली चेंज किया क्योंकि इनकी एज भी काफी ज्यादा बड़ी है। मूवी की बात कर रहा हूँ मैं, रियल लाइफ की नहीं। देखो रिलीज डेट इसकी कब से फाइनल है, 19 अक्टूबर, और भाई मैं तो बस वेट ही कर रहा हूँ। और देखो ट्रेलर कुछ ज्यादा रिवीलिंग नहीं है। हाफवे थ्रू द मूवी मुझे लगता है कि थलापति का कोई मोटिव नहीं होगा क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता भाई गुंडे उसे क्यों मार रहे। ओवरऑल जो ट्रेलर की वाइब है और अनिरुद्ध का म्यूजिक भाई वो तो मैं भूल ही नहीं सकता। बस इसमें जो कार सीन्स है मुझे वो काफी ज्यादा अच्छे लगे। बट इफ यू वांट टू नो व्हाई टाइगर श्रॉफ इज अ फेल्ड एक्टर तो ये वाला वीडियो क्लिक कर देना। बाय।